चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, चार धावकों ने एक गोलाकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू किया। एक चक्कर पूरा करने में उन्हें 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड लगे। कितने समय बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलते हैं? यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि वो धावक है एक ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं, एक जो है वो 200 सेकंड में पूरी करता है अपनी जर्नी, दूसरा है 300 में, तीसरा 360 में और चौथा है आपका 450 में। तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु पे वो कब मिलेंगे यानी कितनी देर बाद मिलेंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं, मतलब पढ़ेंगे भी नहीं और डायरेक्ट आंसर एलसीएम निकालेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। या तो आपको इस तरह से आएगा कि चार बैल है या पांच बैल है वो एक के बाद एक इतने सेकंड सेकंड के अंतराल में बजती है, या ट्रैफिक लाइट है वो इतने सेकंड के बाद एक साथ ब्लिंक करती है तो एक साथ कब ब्लिंक करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है आप सीधा इसका एलसीएम निकाल दीजिए। अगर उसने टाइम दे रखा तो उसमें वो टाइम जोड़ दीजिए, नहीं तो आपका डायरेक्ट वो जो कॉमन जो टाइम आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एक दे रखा है मुझे 200, दूसरा दे रखा है आपका 300, 360 और ये देखा है आपका 450। तो ये 1, 2, 3, 4 यानी कि 1/10 तो मेरे पास ही आ जाएगा डिवाइड करते हुए, ठीक है 10 आ जाएगा। 15 3 45 तो इसका मतलब 15 मैं यहाँ ले लेता हूँ और 15 के अंदर क्या आएगा मेरे पास में, 15 के अंदर आएगा मेरे पास में आपका 15 3 45 और 3, तो यानी कि 3 12 3 36 12 आ जाएगा आपका ये। तो ये आ जाएगा 15 2 30 और 5 4 20। अब ये देखिए 12 के अंदर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसका मतलब 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से मल्टीप्लाई कर तो ये 12 15 कितना होता है आपका 180, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।